फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सब लोग उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ आते हैं। जैसे कि हमारे पिछले असाइनमेंट कंप्लीट हो चुके हैं जून और जुलाई के, अब हम अगस्त का असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्रिएटिव पार्ट बुक टू, पेज नंबर 12। अच्छा स्टूडेंट्स, पेज नंबर 12 से पेज नंबर 16 तक हम लोगों को बुक वर्क कंप्लीट करना है। ओके, ये हमारा अगस्त का वर्क है, अगस्त का ये हमारा सेकेंड असाइनमेंट होगा। ठीक है ना, तो पेज नंबर 12, हाउ टू ड्रॉ, ये आपको लेडी बर्ड्स इन्होंने बताया, लेडी बर्ड। ठीक है ना, ये कंप्लीट है। अब आपको तीन स्टेप्स में इन्होंने समझाया है और फोर स्टेप में वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसी तरीके से हमें पहले बॉक्स ड्रॉ करना है, उसको तीन हिस्सों में डिवाइड करना होगा, फिर उसके बाद इसमें ओवल शेप, जो इसका शेप है ओवल, वो हमें ड्रॉ करना होगा, और फिर उसके बाद उसके अंदर जो हमने इनके इन्होंने डॉट्स पूरे सर्कल ड्रॉ किए हैं, उसी तरीके से हम सर्कल ड्रॉ स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद उसको कलरिंग करके हम बिल्कुल ये कंप्लीट कर देंगे फोर स्टेप पे। स्टूडेंट्स देखिए, बॉक्स हमें ड्रॉ करने के लिए पहले स्केल की ज़रूरत है और पेंसिल की। ठीक है ना, ये आप स्केल से 0 पॉइंट से लेके 4 पॉइंट तक के डॉट्स ड्रॉ कीजिए और एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, और ये ओवल शेप में है तो लिहाजा ये वाली जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे ये थोड़ा लेंथ वाइज थोड़ी सी बड़ी होगी, तो उसके लिए हम 0 पॉइंट से 5 पॉइंट यानी 1 इंच ड्रॉ को लाइन को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। ठीक है, अब फोर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो हम टू पे डॉट्स लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, और इसी तरह ऊपर वाली लाइन के भी सेंटर में टू पे डॉट लगा के इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका फेस ड्रॉ करना है, उसके लिए हमें एक लाइन को सेंटर से ड्रॉ नहीं करना है, उसके बजाय हमें थोड़ा सा छोटा बॉक्स ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमने 0 पॉइंट से लेके 1.5 डॉट्स ड्रॉ करके हम उसे दोनों तरफ से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी ये फोर साइड रेडी हो जाएंगे। दो पोर्शन हमारे बड़े होंगे और दो पोर्शन हमारे छोटे होंगे, जिससे हम ओवल शेप ड्रॉ कर सकते हैं आसानी के साथ लेडी बर्ड बनाने के लिए। ठीक है ना, हमें लेडी बर्ड ड्रॉ करना है। उसके बाद जिस तरीके से हमने 1.5 पे डॉट लगा के डिवाइड किया है, उसी तरीके से हम पूरे बॉक्स को भी डिवाइड करेंगे दो हिस्से में। ठीक है, ताकि उसका हमारा सर्कल सही तरीके से इक्वल उसमें बन जाए वे में। ठीक है, ये 5 इंचेस है तो हम 2.5 पे डिवाइड करेंगे डॉट से दोनों साइड से। अब हमें इसका फेस ड्रॉ करना है। फेस ड्रॉ अगर हम डायरेक्टली कर सकते हैं इजी तो कर सकते हैं, और अगर नहीं, किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, किसी भी स्टूडेंट को कोई मुश्किल लग रही है, तो आप इस तरह से किसी भी चीज़ का कैप ले लीजिए, बड़े सी कोई बॉक्स का सर्कल में, और इस तरह से इसका ओवल शेप ड्रॉ कीजिए। लेकिन देखिए, फिर भी ये पूरा सर्कल है, हमें ओवल में करना है, तो हम हाफ साइड्स लेके इसको बाकी सर्कल को हम हाथ से कंप्लीट कर लेंगे। ओके, इसी तरह से हम 0 से 1/2 इंच डॉट ड्रॉ करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इससे हम इसका फेस ड्रॉ करेंगे जिसमें इसकी, ठीक है, इसी तरीके से
ये जो हमने सेंटर में 2.5 इंच हमने ड्रॉ किया था, उससे उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, पेंसिल हमेशा लाइट यूज़ कीजिएगा ताकि अगर कोई भी मिस्टेक आती हो या आपकी कोई पिक्चर ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो तो आप आराम से मिटा सकें और उसके निशान कॉपी पे ना रहें, ठीक है। ये इसका फेस, ये हमारा बॉडी स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम कोई सा भी छोटा कैप लेंगे और उससे सर्कल उसके कंप्लीट कर लेंगे जो इसमें हमें ड्रॉ करने हैं। ये एक सर्कल कंप्लीट हुआ है, इसका दूसरा सर्कल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से एक सेंटर में हम इसको सर्कल देंगे, ड्रॉ करेंगे। इसी तरीके से हम एक इस साइड पे एंड एक ये सेकेंड साइड पे, और ये आपके फेस के सेंटर पे। ये जिस तरीके से यहाँ पर हमें बताया है उसी तरीके से हमने यहाँ पर सर्कल कंप्लीट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, देखिए पहले हम लोगों ने कैप से ड्रॉ किया था, लेकिन कैप जो है काफ़ी बड़ा हो रहा है, काफ़ी बड़े सर्कल ड्रॉ हो रहे हैं, इसके लिए मैंने कॉइन ले लिया, ठीक है। अगर आपके पास कोई छोटा सर्कल हो या फिर कॉइन हो तो आप वो कॉइन की हेल्प से कर सकते हैं, क्योंकि जितने सर्कल इसमें ड्रॉ हुए हैं हमें उतने ही ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वो वाले रेजर से मिटा दिए, मिटा के मैंने कॉइन से छोटे सर्कल ड्रॉ कर दिए, ठीक है। आप भी बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा, ओके। अब इसके हम लोगों ने पैर ड्रॉ किए, लेग्स, ठीक है, जिससे वो चलता है, ठीक है ना। ये हमने इसके लेग ड्रॉ कर लिए बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से यहाँ पर ड्रॉ हुए हैं, इसीलिए आपको परेशानी इतनी नहीं होगी। आप जो है नीचे पिक्चर में देखते जाइए, तमाम स्टेप के हिसाब से काम कीजिए तो आपका वर्क बहुत अच्छा आसानी से और नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और हम इसकी आइज़ ड्रॉ करेंगे, ये हमने इसकी आइज़ ड्रॉ कर ली हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें ब्लैक और रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ब्लैक और रेड कलर इसमें यूज़ होगा, सर्कल आपके ब्लैक कलर से होंगे और आपकी पूरी बेस जो है रेड कलर में यूज़ होगी। लिहाजा आप पहले डॉट्स में ब्लैक कलर कलरिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद हम रेड कलर उसके तमाम बेस में कलरिंग की करेंगे। चलो स्टूडेंट, बस इसी तरीके से आप अपना काम कलरिंग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, सर्कल से बाहर कलर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन कलरिंग कीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से तमाम सर्कल ब्लैक में होंगे और उसकी पूरी बेस रेड कलर से कलरिंग कीजिएगा, ओके। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके और कलरिंग करके बताया है, बिल्कुल इसी तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे कलरिंग से, बिल्कुल कलर से रेड एंड ब्लैक इस तरीके से, जिस तरह से फोर स्टेप कंप्लीट है, ठीक है। मैंने आपको तरीका समझा दिया है, आप लोग बाकी तमाम
पिक्चर पे कलर कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से करिएगा जिस तरीके से इसमें किया हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री एंड स्टेप फोर, जिसमें ये कंप्लीट है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने पहले ये बॉक्स कंप्लीट बनाया है, ड्रॉ किया है और उसकी डिवाइड कर लिए हम लोगों ने, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने पूरा सर्कल इसी तरीके से कंप्लीट किया और हमने छोटे डॉट्स इसमें ड्रॉ कर लिए। फिर थर्ड स्टेप, ये थर्ड स्टेप हमारा बिल्कुल इसी तरीके से हमने तमाम सर्कल कंप्लीट करके उसकी आईज, उसके तमाम लेग वगैरह सब चीज़ कंप्लीट कर ली है और फोर्थ स्टेप में हमने इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, मैं वो आपको ड्रॉ करना बताती हूँ। देखिए हाउ टू ड्रॉ, इसमें हमें ड्रॉ क्या करना है, हमें एक गिफ्ट ड्रॉ करना है और बिल्कुल इसी तरीके से स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री एंड कंप्लीट स्टेप फोर, ठीक है ना। इसी तरह से पहले बॉक्स ड्रॉ करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद इसी तरीके से हम उसके सर्कल बना के ऊपर बोर्ड ड्रॉ करेंगे और कलरिंग करके बिल्कुल इस तरीके से वो कंप्लीट हो जाएगा लास्ट स्टार्ट, ठीक है। हमें बॉक्स बनाना है, जीरो पे ड्रॉ करेंगे एक डॉट और फोर पे, ये हमने लाइन ड्रॉ की। इसी तरह से ये भी फोर इंचेस, ये वाला भी फोर इंच एंड लास्ट फोर इंचेस। ये एक इक्वल बॉक्स रेडी हो चुका है हमारा। अब हम इस छोटा वाला एक बॉक्स जो इसमें हम लोगों ने ड्रॉ किया है, इसके सेंटर बॉक्स, अब हमें ये ड्रॉ करना है, ठीक है ना। देखिए जीरो से वन एंड हाफ, देन एंड हाफ पे हम लोगों ने एक डॉट लगाया है, ड्रॉ किया है। इसी तरह देखिए ये फोर, फोर से थ्री हमारा जाता है वन इंच और एंड हाफ, ठीक है। यानी ये हाफ पे हमने ड्रॉ किया, वन एंड हाफ पे ड्रॉ किया, फिर हमने टू ड्रॉप किया है और टू एंड हाफ पे एक डॉट ड्रॉ किया है। इसी तरीके से हमने ऊपर भी इसी तरह से ड्रॉ किया है, वन एंड हाफ पे एक डॉट ड्रॉ किया है, टू इंचेस हमने छोड़े और टू एंड हाफ पे एक डॉट ड्रॉ किया है। तो ये हमारा इक्वल बॉक्स रेडी हो जाएगा। इसी के ऊपर भी दो डॉट हमने ड्रॉ किए हैं हाफ हाफ इंचेस के, ठीक है। अब हम और उसी तरह से नीचे भी हाफ हाफ इंचेस ज़्यादा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आएंगे थर्ड स्टेप पे, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि एक सर्कल हमारा थोड़ा बड़ा है और दूसरे सर्कल्स जो है ना वो छोटे छोटे हैं, ठीक है। जिस तरह से हम लोगों ने सर्कल के लिए कोई कैप यूज़ किया, कॉइन यूज़ किया, बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें हमने कॉइन यूज़ कर लिया क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा है सर्कल। ठीक है, यहाँ पर भी हमने कॉइन यूज़ किया। ये वाला सर्कल क्योंकि हमारा थोड़ा बड़ा है तो हम कैप का इस्तेमाल कर लें।
पर हमारा सर्वे काफ़ी बड़ा हो रहा है, हम ये कॉइन से ही सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यह हमारा गिफ्ट रैप स्टेप 3 रेडी है। ये हमने यहाँ पर इसके लिए बो रेडी की है। थोड़ा सा हमारी डिसबैलेंस हो गई है ये बो, तो मैं इसको सीधी आपको करके बताऊंगी। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे स्टेप 3 को आप देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से ये हमने कंप्लीट कर लिया। बिल्कुल अब हम इसी तरीके से इसमें कलरिंग करते हैं। पहले हम सर्कल में कलरिंग कर लेते हैं ताकि हमें बाकी चीज़ों में कलर करना इजी रहे। ये देखिए, नीचे वाले सर्कल में लाइट ग्रीन कलर है, नीचे जो आपका छोटा सर्कल बॉक्स में बना हुआ है इसमें हमने ग्रीन कलर से कलरिंग की। ठीक है, इसी तरह से हमने रेड सर्कल पे, ये वाले पे रेड सर्कल ड्रॉ कर लिए। ये हमारी ये कलरिंग इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। स्टूडेंट देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट करना है, कलर करके, कलरिंग करके आपको ये वाला भी पोर्शन कंप्लीट करना है, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 पे ये बिल्कुल कंप्लीट। तो ये वाला पोर्शन मैंने ये दोनों पोर्शन आपको करके बताए हैं, ये वाला आपको खुद करना है। ठीक है ना, वो आप अपने पास खुद ही कीजिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से ड्रॉ करते हुए और इसको देखते हुए। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 14, ब्रश। स्टूडेंट ये देखिए, पेज नंबर 14, ब्रश स्ट्रोक। ठीक है, हमें यहाँ पर पेंटिंग करनी है। ठीक है ना, और किससे? ब्रश पेंटिंग। ठीक है ना, यूज ब्रश स्ट्रोक एंड फिल कलर इन इट, प्रिंट फ्लावर बाय लेडी फिंगर।
प्रिंटिंग, ठीक है ना। लेडी फिंगर से हमें इसके ये नीचे जो बॉर्डर फ्लावर्स बने हुए हैं ड्रॉ किए हुए, हमें इसकी पेंटिंग करनी है, ठीक है। और बाकी जो अच्छा लेडी फिंगर मीन्स भिंडी, ठीक है ना, आप लोगों को ये तो पता ही होगा, खाते होंगे शॉप से, है ना। तो इसीलिए हमें लेडी फिंगर से फ्लावर पेंटिंग हमें यहाँ पर करनी है। और ये जो पेंट्स आपके हुए हैं ये कलर से नहीं करने हैं बल्कि पेंट ब्रश से करने हैं, ठीक है। वो मैं आपको दूसरे किसी और पेज में बताऊंगी करना, क्योंकि ये अगर मैं बताऊंगी तो बुक खराब हो जाएगी। मगर ये कि आप जब इस पे पेंटिंग करेंगे तो इसके बाद उसको सूखने के लिए ज़रूर रखिएगा खुली हुई, ताकि जो है वो दूसरे पेज पे ना लग जाए। और सेकेंड ये कि जब आप पेंट करेंगे तो यहाँ पर भी आप कोई ऐसा रफ पेज रखिएगा ताकि वो दूसरे पेज को भी ख़राब ना करें, ठीक है ना, इस बात का ख्याल रखिएगा। देखिए मैंने फ्रॉक रेडी करी ड्रॉ करके, ये देखिए मैंने फ्रॉक पहले से रेडी करके यहाँ पर दूसरे पेज पे रखी है, आपको पेंटिंग समझाने के लिए कि पेंटिंग हम किस तरीके से करेंगे। वैसे तो माशाल्लाह से आप लोगों को पेंटिंग आती ही होगी क्योंकि स्कूल में भी करते थे, है ना, पेंट ब्रश पेंटिंग वगैरह तो होती है ना हम लोगों की, हम लोग तो फाउंडेशन से करते ही चले आ रहे हैं, है ना। और हर ड्राइंग की एक असाइनमेंट ज़रूर आता है पेंटिंग का, ठीक है ना। अब हमने ये ड्रॉ कर ली है फ्रॉक कंप्लीट, मैं आपको इसमें बताऊंगी कि हम पेंटिंग किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हम बुक साइड में कर देते हैं वरना हमारी बुक ख़राब हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए ये हमारा ब्रश है, अच्छा हमने कलर बुक में देखते रहना है कि कौन कौन से जो है कलर हमें करने हैं। पहले हम रेड पेंट से, ये हमारे पेंट हैं, ठीक है, ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू और रेड, ठीक है। हमने ब्रश को पानी में डिप किया और रेड। स्टूडेंट्स देखिए अब हम ब्रश की हेल्प से वाटर कलर कलरिंग, ठीक है। आप अपनी बुक सामने रखेंगे और जिस तरह के बुक्स में तमाम देखिए कलर्स हुए हुए हैं, कलरिंग किए हुए हैं ब्रश पेंटिंग से, तो उसी तरीके से हम पेंटिंग मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है ना। उसी तरीके से आप भी कलर्स देखते जाएंगे और कलरिंग करते जाएंगे। ये हमने रेड पेंटिंग की, ठीक है। फिर आपने ब्रश अपना पानी से नीट कर लिया है, साफ कर लिया, अच्छा। उसके बाद हमारा सेकंड कलर कौन सा है उसमें देखिए रेड के साथ ब्लू, तो ये देखिए हमने ब्लू कलर लिया, ठीक है, ब्लू से बहुत एहतियात से करना है क्योंकि बेटा ये पेंटिंग कलर्स हैं, वाटर कलर्स हैं, तो ये थोड़ा सा आपके पेपर को भी गीला कर देते हैं ना, आपका पेपर थोड़े से सॉफ्ट हो जाता है पानी लगने से, वाटर लगने से, तो इसीलिए इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। मैंने फिर ब्रश कर लिया, ठीक है।
उसके बाद हमने ग्रीन की ग्रीन कलर हमने लिया है ब्रश में, मुझसे भी थोड़ा सा ख़राब हो गया है ये हमने, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप लोग भी बहुत एहतियात से कीजिएगा, क्योंकि ये ज़रा सा भी पेपर आगे पीछे होता है, उड़ता है हवा से, तो जो है हमारी कलरिंग ख़राब हो जा रही है। हम से हम इसी तरीके से हम तमाम कलर ब्रश पेंट से कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और ये जो नीचे फ्लावर्स हमने ड्रॉ किए हैं, तो मैंने आपको बताने के लिए ड्रॉ किए हैं कि इस तरीके से होंगे, लेकिन ये मेन जो है जैसे बुक में आपको समझाया है कि लेडी फिंगर से होंगे। देखिए लेडी फिंगर है बनी हुई आपके पास, ड्रॉ की हुई है ना बुक में, बिल्कुल लेडी फिंगर के। ये देखिए जो सर्कल्स हैं ये बिल्कुल फ्लावर शेप में होते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से हम फ्लावर की हेल्प से, लेडी फिंगर से फ्लावर की हेल्प से, क्योंकि जब लेडी फिंगर की डेट हम कट करते हैं तो अंदर से इसके सीड्स भी निकलते हैं और उसका फ्लावर भी बना हुआ होता है। देखिए जो डॉट्स के निशान आपको नज़र आ रहे हैं ये सीड्स के, इसमें जो बीज होते हैं ये देखिए लेडी फिंगर में बीज नज़र आ रहे हैं ना, ये उसके डॉट्स हैं। और ये जो सर्कल इसका शेप बना हुआ है वो बिल्कुल फ्लावर शेप होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको करते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बुक पे ये समझाया है, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही आप इसको कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पेज पे करके अलग से समझाया है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा पानी की वजह से ये आपका पेज जो है बहुत सॉफ्ट हो गया। तो आप जब इस पर ड्रॉ करेंगे, बुक पे जब ड्रॉ करेंगे, पेंटिंग करेंगे, तो नेक्स्ट पेज पे ज़रूर कोई दूसरा पेज रख दीजिएगा, ताकि जो है वो नीचे का पेज ख़राब ना हो आपका। और खुली रखिएगा बुक थोड़ी देर के लिए, जब तक कि वो पूरी अच्छी तरह से ड्राई ना हो जाए, ठीक है ना। अब हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट ये हमारा पेज नंबर 15, ठीक है। अब हम पेज नंबर 15 पे आते हैं और डिज़ाइन इन बेसिक शेप, ठीक है। हमें यहाँ पर बेसिक शेप्स ड्रॉ करने हैं इस तरह से, ठीक है। ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल एंड रेक्टेंगल, ठीक है ना, जिस तरह से हमने यहाँ। स्टूडेंट्स देखिए ये हम लोगों के तमाम डिफरेंट शेप्स हैं, ये सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल, ठीक है ना। ये हमारी बुक के बिल्कुल लास्ट पेज पे एक एनवलप है, उसमें हमारे ये पेपर्स हैं, ओके। अभी इस वक्त जो है हमारे पास कलर्स और ज़्यादा नहीं हैं, तो इसीलिए हमने येलो में स्क्वायर कट कर लिया है। हम स्टार्ट करते हैं, ये हमने सर्कल कट कर लिया है, ये हमने रेक्टेंगल, ये ट्राइंगल और ये स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट्स पहले हम रेक्टेंगल ग्लू स्टिक की हेल्प से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हम
सर्कल को पेस्ट करेंगे। ये देखिए इसकी कटिंग कुछ इस तरह से कीजिएगा कि वो बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट हो जाए, पेस्ट हो जाए। ठीक है, पहले हम सर्कल कट करके इसको बॉर्डर, फिर इसके बाद हम स्क्वायर को पेस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद हम ट्रायंगल भी ग्लू स्टिक से हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारे बेसिक शेप्स हैं। ठीक है, अब ये मैंने आपको बेसिक शेप्स कटिंग करके और पेस्ट करके समझा दिया है। और अब नेक्स्ट पेज 16 पर हमें यही डिज़ाइन इन बेसिक शेप्स यहाँ पर कटिंग करके पेस्ट करने, जो आप खुद से करेंगे। एक मैंने आपको समझा दिया है कटिंग करके पेस्ट करके। अब आपका काम है, होमवर्क है, होमवर्क